ভারতের অসাধারণ পারফরমেন্স এই বছরের কমনওয়েলথ গেমসে। এবার ভারতের পিভি সিন্ধু তার প্রথম কমনওয়েলথ গেমস ব্যক্তিগত বিভাগে স্বর্ণ পদক জিতলেন এবং মহিলাদের একক ফাইনালে কানাডার মিশেল লিকে হারিয়ে গেমসে পদকের হ্যাট্রিক সম্পূর্ণ করে ব্যাডমিন্টন ইতিহাসের বইয়ে স্থায়ীভাবে তার নাম লেখার আরেকটি বিশাল মাইলস্টোন পার করলেন বার্মিংহামে। সিন্ধু এখন তার তিনটে সিডব্লিউজি প্রতিষ্ঠায় পদকের রং আরও উন্নত করেছে। ভারতীয় শেটলার 2014 গ্লাসগো গেমসে মহিলাদের এককে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন এবং চার বছর আগে গোল্ড কোস্টের রূপো জিতেছিলেন। সোমবার দুইবারের অলিম্পিক পদক বিজয়ী 2014 কমনওয়েলথ গেমসের চ্যাম্পিয়নকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করে সিডব্লিউজি 2022 স্বর্ণ পদক জিতে নেন সিন্ধু। প্রতি ওই মহিলা শেটলার বিভিন্নভাবে নজর কেড়েছেন ব্যাডমিন্টন কোর্টে। এবার পিভি সিন্ধু অসাধারণ পারফর্ম করলেন কমনওয়েলথ গেমসে। ভারতের একমাত্র অ্যাথলেট হিসাবে অলিম্পিকের মঞ্চে দুটি পদক আছে সিন্ধু। এবার কমনওয়েলথে মোট তিনটি পদক জিতলেন হায়দ্রাবাদের মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। দেশের হয়ে পদক জেতা এখানেই থামিয়ে রাখতে চান না ভারতের সোনার মেয়ে। আগামী দিনে তার ঝুলিতে আরও পদক আসবে এমনটাই বিশ্বাসী তিনি। আরও অনেক পদক জেতা বাকি তার এমনটাই বললেন আজ তাকে মুখোমুখি হয়ে। कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट और सेंसेशनल सिंधु इस वक्त हमारे साथ हैं। सिंधु, एक लंबा इंतजार था आपको इस गोल्ड मेडल के लिए, फाइनली पूरा हुआ, कैसे आपने प्लान किया और इस इंतजार के बाद अब कैसे सेलिब्रेशन होगा? ऑफ कोर्स बहुत साल वेट किया था इसके लिए और फाइनली गोल्ड मिला एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स विल कम वंस इन फोर इयर्स, सो डेफिनेटली दिस वाज मच वेटेड आई वुड से। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा था मेरे लिए और सब कुछ अच्छा चला, तो आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग बैक विद द गोल्ड। ओके, टोक्यो के बाद से आपने बीच बीच में बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, स्पेशली अभी हमने सिंगापुर ओपन आपने जीता। यहाँ से सिंधु का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है या फिर वो सिंगापुर से शुरू हो चुका था? ऑब्वियसली शुरू हो चुका है, बट अभी और बहुत बाकी है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि हो गया, बट आई वुड से या दिस इज ओनली द स्टार्टिंग एंड दिस मोर वे टू गो ऑन। अभी इट्स जस्ट दैट वन बाय वन, सो सिंगापुर के बाद ये वाला और आगे और बहुत है, तो आई विश एंड होप आई वुड गेट मेनी मोर मेडल्स। अच्छा, बचपन में आपको ट्रेनिंग करने के लिए ना बहुत देर तक जो है स्टेडियम में बैठना पड़ता था गचीवली, क्योंकि करीब करीब 27-28 किलोमीटर दूर था, ओवरऑल 108-30 किलोमीटर हो जाता था उस टाइम पे। बहुत ना कैसे आपके पापा ने सपोर्ट किया, थोड़ा अपने बचपन के बारे में। ऑफ कोर्स बहुत सपोर्ट किया पापा मम्मा, क्योंकि एज अ फैमिली आई थिंक वो लोगों के वजह से मैं इधर हूँ, क्योंकि बहुत ट्रैवल करती थी और मेरे लिए उन्होंने जॉब दे गिवन VRS एंड वी शिफ्टेड नियर बाई टू द अकेडमी और बहुत सैक्रीफाइसेस भी किया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि उनके वजह से मैं आज इधर हूँ। सो बिग थैंक्स, क्योंकि अभी भी ऑब्वियसली मैं व्हेन आई थिंक अबाउट इट आई जस्ट थिंक दैट इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी था, बट ओवरऑल इट्स बीन गुड, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई एम हियर टुडे विद द गोल्ड, सो वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू माय फैमिली, माय मॉम डैड, बिकॉज दे हैव डन एवरीथिंग एंड बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर टुडे। सो वेयर विल यू रेट दिस मेडल एंड आल्सो पीएम हैज कांग्रेचुलेटेड यू, टेल अस। या ऑफ कोर्स दिस विल बी वन ऑफ द मेमोरीज and I will rate it definitely higher because I've got a lot of medals. I will this will also be one of them, but I think overall Modi ji has congratulated me, thanks to him. Obviously mujhe time nahi mila tha reply karne ke liye, but zarur I am going to reply sir back. ei joyer por bhishon bhabe utchhosito tini o tar poribar. Bureau report, Aaj Tak Bangla. আজ তক বাংলা, জানুন সব খবর সবার আগে, সাবস্ক্রাইব করুন আজ তক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।